हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के दो नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे ये जो अपडेट हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और अगर आप एक यूट्यूब के व्यूअर भी हो तो दोनों के लिए ये जो अपडेट हुआ है बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये अपडेट क्या है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट है वो दोस्तों YouTube के ऑडियो लाइब्रेरी को हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हमारे चैनल पे कोई वीडियो है और अगर हम उस पर किसी और का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हैं, तो अगर वो बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइटेड होता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उस वीडियो का, उस ऑडियो का हमारे वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपने कॉपीराइटेड ऑडियो यूज़ किया है, तो वहाँ पर एक ऐसा टैग आता है आपके डिस्क्रिप्शन में, म्यूज़िक इन दिस वीडियो, तो उसमें आपको पूरा डिटेल बताया जाता है, मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बताया जाता है कि ये कॉपीराइटेड म्यूज़िक है और इसके रियल ओनर कौन है, तो पूरा एट्रीब्यूट अपने आप आ जाता है। तो बट दोस्तों, ये जो चीज़ थी वो सिर्फ कॉपीराइटेड मटेरियल पे थी, मतलब अगर आपकी गलती है, अगर आपने किसी का कॉपीराइटेड ऑडियो यूज़ किया है तब वो चीज़ आती थी। बट यहाँ पे ये अपडेट बहुत ही कमाल का हुआ है, क्योंकि अब दोस्तों आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ मिलेगी आपके डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऑडियो लाइब्रेरी, जो यूट्यूब की हमारी ऑडियो लाइब्रेरी, अगर वहाँ से आप कोई म्यूज़िक पिकअप करते हो और अपने यूट्यूब वीडियो में यूज़ करते हो, तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक टैब बन के आ जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा म्यूज़िक इन दिस वीडियो, और उस म्यूज़िक इन दिस वीडियो वाले कॉलम में उस यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी की जो म्यूज़िक है उसका पूरा डिटेल होगा, एक तरीके से वो एट्रीब्यूट होगा। और दोस्तों, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ किया है, ये सिर्फ आपके व्यूअर्स को और आपको बताने के लिए है कि ये जो ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूज़िक है इसका नाम क्या है, कौन इसका ओनर है, मतलब वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इससे आपके व्यूअर्स को बहुत ही हेल्प होगी, क्योंकि कुछ ऐसे बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत से व्यूअर्स को पसंद आते हैं, तो बहुत से लोग आपको कमेंट करते हैं कि म्यूज़िक का नाम क्या है, तो आप नहीं बता पाते हो। तो अब आपके व्यूअर्स को आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वो डिस्क्रिप्शन को जब ओपन करेंगे तो उनको डिस्क्रिप्शन पे उस ऑडियो लाइब्रेरी के म्यूज़िक का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड दोस्तों, जो सेकंड अपडेट है वो भी बहुत ही कमाल का है, इससे आपके वीडियो की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपके वीडियो पे व्यूज़ भी आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये जो अपडेट हुआ है ये सर्च रिज़ल्ट को लेके हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे YouTube का जो सर्च रिज़ल्ट है, वहाँ पे जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सिंपली हमारे वीडियोज़ व्यूअर्स को शो होते हैं। बट अब इस अपडेट के बाद हुआ क्या है कि हमारा जो सर्च रिज़ल्ट है उसको कुछ इम्प्रूव किया गया है, कुछ इनहेंस किया गया है। वहाँ पे अब अगर आपका कोई व्यूअर कोई भी टॉपिक सर्च करता है, कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो वहाँ पे आपकी वीडियो के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अपने वीडियो पे वीडियो चैप्टर एनेबल किया है, तो आपके सर्च रिज़ल्ट में जो वीडियो है उसके नीचे आपका दोस्तों उसको वीडियो चैप्टर भी शो करेगा, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे कि आपको पता ही है, वीडियो चैप्टर हम लोग टाइम पर लगा सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जो भी आपका वीडियो चैप्टर होगा उस वीडियो में, तो वो भी आपके व्यूअर्स को शो होगा, जिससे आपका जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होगा और एनहेंस भी होगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, आपका वीडियो है, जैसे सिर्फ किसी को थंबनेल नहीं समझ में आता तो वो नीचे वीडियो चैप्टर पे क्लिक करके वीडियो चैप्टर के थ्रू आपके वीडियो के उस पर्टिकुलर पोर्शन में पहुंच सकता है, जिससे उसका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और आपके वीडियो का एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, इससे आपका भी प्रॉफिट है कि आपका जो टारगेट है मेन, वहाँ तक आप अपने ऑडियंस को पहुँचा सकते हो और आपके ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स को भी हेल्प होगी आपके कंटेंट को समझने में। तो दोस्तों, ये थे आज के दो अपडेट और ये दोनों ही अपडेट मुझे बहुत ही कमाल के लगे। आपको ये अपडेट कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।